विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूरोप में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में पिछले हफ्ते 5% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही यूरोप एकमात्र ऐसा क्षेत्र रह गया है जहां मौत के मामलों में इजाफा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि वैश्विक तौर पर कोरोना के पुष्ट मामलों में भी 6% का इजाफा हुआ है। इसमें अमेरिका, यूरोप व एशिया का बड़ा योगदान है। मंगलवार को जारी साप्ताहिक रिपोर्ट में WHO ने कहा है कि पिछले हफ्ते यूरोप को छोड़ बाकी सभी क्षेत्रों में कोरोना से मौत के मामले स्थिर रहे हैं या उनमें गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक स्तर पर कुल 50,000 लोगों ने जान गंवाई है। दुनिया भर में कुल 30.30 लाख संक्रमण के मामले सामने आए, जिनमें से 20.10 लाख सिर्फ यूरोप में थे। WHO के यूरोपीय क्षेत्र में रूस से लेकर पश्चिम एशिया तक के 61 देश आते हैं। उधर यूरोपीय संघ ने बताया है कि उसे अमेरिकन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी नोवावैक्स से कोविड वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की इजाजत के लिए आवेदन मिला है। उसका मूल्यांकन किया जा रहा है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के 99% मामले के डेल्टा वेरिएंट के। WHO ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोविड संक्रमण के 99% मामले डेल्टा वेरिएंट के आ रहे हैं। पिछले 60 दिनों में दुनिया भर के 9 लाख कोविड मामलों की सीक्वेंसिंग के दौरान ये जानकारी सामने आई है। सिंगापुर में भारतीय यात्रियों को क्वारंटीन से मिलेगी आजादी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 29 नवंबर से भारत व इंडोनेशिया में आने वाले यात्रियों को 29 नवंबर से अनिवार्य क्वारंटीन से आजादी देने का फैसला लिया है। हालांकि लोगों को यात्रा से पूर्व RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। दक्षिण कोरिया, देश में रिकॉर्ड 3,187 नए मामले सामने आए हैं। सितंबर के बाद ये दैनिक मामलों का उच्चतम स्तर है। अब सरकार 6 महीने पहले कोविड की दूसरी खुराक ले चुके लोगों को बूस्टर डोज देने के लिए प्रेरित कर रही है। 52,826 मामले सामने हैं, जबकि 294 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना पर अंकुश के लिए विभिन्न प्रांतों ने अलग अलग प्रतिबंध लागू करने शुरू कर दिए हैं। हंगरी, देश में दैनिक संक्रमितों और मृतकों का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। 10,265 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 178 लोगों की मौत हो गई है। स्लोवाकिया, 22,479 नए मामले सामने आए हैं। प्रति 1 लाख संक्रमितों की संख्या 813 हो गई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।